समन संघीय जैन दिवाकरीय उपप्रवर्तनी संथारा प्रेरिका श्री सत्य साधना जी महाराज साहब सूरत का ऐतिहासिक वर्षावास सफल करके जामनेर शहर में पहली बार आए, परंतु COVID-19 के कारण आपका सभी साध्वी जी का परिचय नहीं हो पाया। तो आइए, सभी साध्वियों जी का मैं आपको परिचय करवाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं वटवृक्ष रूपी संप्रदाय के बारे में बता दूं कि जिस संप्रदाय में हम पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं उस संप्रदाय का नाम है दिवाकर संप्रदाय। एक ऐसे महापुरुष का नाम है जिनके नाम के आगे दिवाकर शब्द लगता है, परम पूज्य जैन दिवाकर जगत वल्लभ श्री चौथ मलजी महाराज साहब। दिवाकर हम उस सूर्य को कहते हैं कि जो सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। परंतु यह दिवाकर ऐसे सूर्य थे जिनका उदय तो हुआ परंतु गुणों का अस्त कभी नहीं हुआ। उनके जीवन में कई चमत्कार हुए, जैसे पूज्य गुरुदेव विहार यात्रा में थे, साथ में कई श्रावक और श्राविका चल रहे थे। श्रावक श्राविका चलते चलते ट्रेन की पटरी आई, कुछ श्रावक श्राविका ट्रेन की पटरी पे थे, कुछ उस किनारे और कुछ इस किनारे। जैसे ही सामने से चलती हुई ट्रेन को आते हुए देखा तो सभी श्रावक श्राविका में भगदड़ मच गई, सभी घबराने लग गए। तुरंत पूज्य गुरुदेव के हाथ में काला डंडा था, उस काले डंडे वाले हाथ को गुरुदेव ने खड़ा किया और ट्रेन जिस दिशा से आ रही थी वहीं पर रुक गई। ट्रेन ड्राइवर विचार करने लगा कि जब मैं निकला था स्टेशन पर तो सभी चेकिंग करके निकला, ये ट्रेन रुकी तो रुकी कैसे। सामने देखा एक बाबा खड़ा है, तुरंत उसके पास गए और कहा कि मेरी ट्रेन को आपने जंगल में रोक दिया, अब मैं क्या करूँगा। तुरंत गुरुदेव ने कहा कि ये पटरी पर सभी चले जाएंगे और तू ट्रेन में जाकर बैठ जाना, तेरी ट्रेन शुरू हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, जैसे ही ट्रेन ड्राइवर ट्रेन में जाकर बैठा और ट्रेन क्या हो गई, चालू हो गई। उन्होंने अफीम को गुड़ बना दिया और गुड़ को अफीम बना दिया, अर्थी पर सोए हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर दिया और गांव में जो डाकू चोरी करने आए थे और जिस गांव में वो विराजमान थे, डाकू बिना चोरी किए हुए चले गए। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन में जुड़े हुए हैं। उनका जन्म रविवार को हुआ, उन्होंने दीक्षा रविवार को ली, उन्होंने प्रथम प्रवचन भी रविवार को दिया, अंतिम प्रवचन भी रविवार को दिया और देवलोक गमन भी रविवार को हुए। इतिहास के पृष्ठों पर एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने एक वार पर अपना अधिकार जमा लिया। ना ही वो आचार्य थे, ना ही वो उपाध्याय थे, ना ही वो प्रवर्तक थे, फिर भी आज उनके नाम से संप्रदाय चलती है। उनकी माता जी भी दीक्षित थी। उन्होंने अपने जीवन काल में एक इष्ट मंत्र को बनाया हुआ था, वह इष्ट मंत्र है ओम उषभ। जो इस मंत्र की माला फेरता है उसका हर संकल्प पूर्ण होता है। उन्हीं के अंतर्गत परम पूज्य हगाम कंवर जी महाराज साहब, जिन्होंने 57 दिन का संथारा किया था, उन्हीं की सुपुत्री मालवसेनी कमलावती जी महाराज साहब, उन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका गुण था, वह कमल के माफिक कोमल थे।
जैसे वह प्रवचन देते थे तो ऐसा लगता था कि एक शेरनी दहाड़ रही है। कमला उपवन में 36 फूल खिल रहे हैं। उन्हीं की सुशिष्या साध्वी उप प्रवर्तनी संथारा प्रेरिका सत्य साधना जी मारासा, जो स्वयं फूल है उसकी सुगंध के बारे में क्या परिचय दूं, जो स्वयं ही मोती है उसकी चमक के बारे में क्या कहूं, जो स्वयं ही सूर्य है उनकी रोशनी के बारे में क्या बताऊं। आप में समता कूट कूट कर भरी है। आप ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र के प्रखंड पंडित हैं। आपकी साधना और मंगलिक इतनी उत्कृष्ट है कि कोई भी व्यक्ति का हर कार्य हो जाता है। आपने संस्था और स्थानक के लिए कई प्रेरणा दी। आपका जन्म औरंगाबाद में हुआ। पिता श्रीमान कुंजीलाल जी भुरावत, माता सीता देवी भुरावत। आपकी दीक्षा 21 नवंबर 1974 में ब्यावर में हुई। आपको दीक्षा लेकर 46 वर्ष हो गए हैं। व्यवहारिक शिक्षा में आपने डबल एमए किया और प्रतिदिन निरंतर पढ़ने में आपकी रुचि है। दूसरे नंबर पर साध्वी अर्हत ज्योति जी महाराजा, आप धुलिया के पास में खेड़ा के हैं। आपके पिता श्रीमान प्रकाश चंद जी चतुर्मुत्था, माता स्नेहलता जी साध्वी चरण प्रज्ञा जी। आपकी दीक्षा 16 फरवरी 1997 में धुलिया में हुई। आपको दीक्षा लेकर 24 वर्ष हो चुके हैं और परिवार में आपकी माता संथारा साधिका चरण प्रज्ञा जी मारा साहब, जिन्होंने 87 दिन का संथारा किया, तथा सांसारिक भतीजा पीयूष मुनि जी मारा साहब भी दीक्षित हैं। आपको स्वाध्याय स्तोत्र में विशेष रुचि है, प्रवचन भी देते हैं और छोटी साधियों का विशेष ध्यान रखते हैं, साता पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर साध्वी तन्मय दशना जी मारा साहब, आप नासिक के पास में घोटी के हैं। आपके पिता श्रीमान देवी चंद जी भंडारी, माता मंगलाबाई भंडारी। आपकी दीक्षा 22 अप्रैल 1999 में घोटी में हुई। आपको दीक्षा लेकर 22 वर्ष हो चुके हैं। आपको स्वाध्याय सेवा में विशेष रुचि है, प्रवचन और भजन भी अच्छा गाते हैं। चौथे नंबर पर साध्वी हित साधना जी मारा साहब, माता जी मारा साहब, आप जोधपुर के पास भोपालगढ़ के हैं। आपके पिता श्रीमान धनराज जी राका और माता सुंदरबाई हैं। आपकी दीक्षा 17 फरवरी 2000 में पूना में हुई। आपको दीक्षा लेकर 20 वर्ष हो चुके हैं। परिवार में आपकी पुत्री दीक्षित है। आपको स्वाध्याय ध्यान पूरे दिन की मौन और तप में विशेष रुचि है। छठे नंबर पर साध्वी गुरु छाया जी मारा साहब, आप चेन्नई के हैं। आपके पिता श्रीमान हेमराज जी बलदोटा, माता सरोजबाई बलदोटा। आपकी दीक्षा 27 जनवरी 2008 ब्यावर में हुई। आपको दीक्षा लेकर 13 वर्ष हो चुके हैं। आपको भी प्रवचन और भजन में रुचि है। सातवें नंबर पर सबसे छोटे महाराज साहब साध्वी सौम्य ज्योति जी महाराज साहब, आप भी चेन्नई के हैं। आपके पिता श्रीमान राजेश कुमार जी चौरडिया, माता श्रीमती राजकुमारी चौरडिया। आपकी दीक्षा 26 जनवरी 2012 रतलाम में हुई। आपको भी दीक्षा लेकर 8 वर्ष हो चुके हैं। आपको प्रवचन भजन में विशेष रुचि है और आप सभी मारा साहब के लाडले हैं। अंत में सभी जामनेर वासियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्युषण पर्व रूपी लेबोरेटरी में हमें रिसर्च करना है।
आत्मा को कषायों से क्लीन करना है और अपनी लाइफ को बेस्ट एंड बेटर बनाना है। ना कोई कारण होगा ना कोई बहाना होगा, ना कोई कारण होगा ना कोई बहाना होगा। घर पर रहते हुए आप सभी को अंतगढ़ सूत्र सुनना होगा, अंतगढ़ सूत्र सुनना होगा। ओम शांति। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत धनपुष्प लघु उद्योग, पापड निर्माता बडा कोठा, जामनेर, जिल्हा जळगाव, प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, जामनेर, जिल्हा जळगाव। आपके सामने जो साध्वी जी सब साथियों का साध्वीजियों का परिचय दे रहे थे वो पांचवें नंबर पर है। उनका नाम साध्वी हर्ष प्रज्ञा जी है। वह राजस्थान के जोधपुर नगरी के हैं। उनके माताजी हित साधना जी महाराजा और सांसारिक पक्ष में उनके पिताजी का नाम प्रकाश चंद जी कोचर। इन्होंने माता और पुत्री ने पुना नगरी के अंदर 17 फरवरी 2000 में दीक्षा ली। साध्वी हित साधना जी महाराजा उनके माताजी हैं। साध्वी हर्ष प्रज्ञा जी महाराजा का परिचय दे रही हूँ। वह स्वभाव उनका मिलनसार है, प्रवचन में रुचि है, थोकड़े में रुचि है और हमेशा जिज्ञासा व्यक्त करते रहते हैं। हमेशा प्रश्न उत्तर उनके मन के अंदर चलते रहते हैं और सभी के साथ स्नेह के साथ और प्यार के साथ, बड़ों के साथ कैसे रहना और छोटों को प्यार कैसे देना, ये उनकी विशेषता है। चंदना को तारने वाले, अर्जुन को उभारने वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। संसार समुद्र से तिराने वाले पूज्य गुरुनिचि महाराज साहब एवं गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन, नंदन, अभिनंदन। किसी ने बताया है पानी री प्यास लागे है तो पिरंडाका ने जानो ही पड़े है, पानी री प्यास लागे है तो पिरंडाका ने जानो ही पड़े है, भूख लागे है तो रसोड़ा में जानो ही पड़े हैं, भूख लागे है तो रसोड़ा में जानो ही पड़े हैं। ठीक इसी प्रकार जिनवानी री प्यास लागे है, ठीक इसी प्रकार जिनवानी री प्यास लागे है तो पर्व परुषण मनावारा वास्ते आनो ही पड़े हैं, पर्व परुषण मनावारा वास्ते आनो ही पड़े हैं। कल से आज से हमारे पर्व पर्यूषण प्रारंभ हो चुके हैं। अष्ट दिवसीय सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुका है, कर्म का प्रारंभ हो चुका है और इस कर्म का विराम, युद्ध विराम कब होगा? संवत्सरी के दिन इस कर्म का, युद्ध का विराम होने वाला है। तो आप सभी को इस अष्ट दिवसीय सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर अपने आत्मा से लड़ाई, युद्ध करके इस आत्म विजेता को अपने को प्राप्त करना है। इस अष्ट दिवसीय के अंदर पर्व पर्यूषण प्रारंभ होकर 24 घंटे बीत चुके हैं। बंधुओं, आज हमारे सामने द्वितीय सूर्योदय पर्यूषण पर्व का द्वितीय सूर्योदय उदित हुआ है। हमारे हाथ से एक दिन यानी 24 घंटे हाथ से निकल गए हैं। समय निकलते, समय जाते, गुजरते देर नहीं लगती है। दिल की डोर पर सवार होकर समय का पतंग कहाँ से कहाँ उड़ान भर लेता है। दिल की डोर पर सवार होकर ये समय का पतंग कहाँ से कहाँ अपनी उड़ान भर लेता है। आज का दिन हमारे लिए यह संदेश देने आया है कि राग द्वेष की गांठें, वैर विरोध की गांठें, कर्म की गांठें तोड़ने के लिए और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए यह सूर्योदय उदित हुआ है। उस घाट पर चढ़ाने के लिए आज का यह पर्व का द्वितीय सूरज हमारे सामने आ चुका है। बंधुओं, सूर्य तो आते हैं,
चले जाते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों से हमें 24 घंटे में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ अवश्य लाभ लेना है। समय तो मोती के होते हैं, जो समय को सार्थक कर लेते हैं उन्हीं की झोली में जिनवानी रूपी मोती मिलते हैं। जिन्होंने प्रथम दिन ही अपनी दस्तक दे दी, यानी आप कहोगे कि महाराज साहब दस्तक यानी क्या, जिन्होंने प्रथम दिन ही अपनी दस्तक दे दी यानी जिन्होंने शास्त्र श्रवण कर लिया, प्रवचन सुन लिया, उपवास कर लिया, कल्प सूत्र का वाचन कर लिया, प्रतिगमन कर लिया, पोषित कर लिया आदि भी साधना आराधना करके उन्होंने जीवन को सार्थक कर लिया। पर जिन्होंने पहले दिन ही अपने जीवन को सार्थक नहीं किया उनके लिए बड़ा ही विचारणीय प्रश्न होता है। किसी ने बताया है कि इस दुनिया के अंदर 4 प्रकार के इंसान होते हैं, सदैया, भदैया, कदैया और मरैया। आप सोचोगे महाराज साहब कि ये 4 प्रकार के इंसान किस तरीके के होते हैं। सदैया यानी जो हमेशा सदा धर्म के ऊपर श्रद्धा रखता है, जिन वाणी में रुचि रखता है और सदा ही धर्म स्थानक में आता रहता है और सदा ही साधु संतों के दर्शन का लाभ लेता रहता है, उसे क्या कहते हैं, सदैया। भदैया यानी जो भाद्रपद महीना चल रहा है अभी आपके सामने, भाद्रपद महीना में कौन सा पर्व है, हमारा पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के दिन वह भदैया जो होता है पर्युषण पर्व में आ जाता है। अगर पर्युषण पर्व के अंदर भी नहीं आया तो संवत्सरी पर्व के दिन क्या हो जाता है, चला आ जाता है। और कदैया यानी कभी कभी आता है। अगर स्थानक के अंदर किसी तपस्या भाई बहन की पछकावनी रही तब उस समय पर वह कदैया कभी कभी क्या हो जाता है, आ जाता है। और जीवनवार रहे तो उसी समय पर भी वह कदैया क्या हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। और लास्ट का कौन सा रहा, मरैया यानी किसी का उठावना रहा तब उसकी सूरत हमें क्या हो जाती है, देखने को मिल जाती है। तो आपको सोचना है कि इन 4 इंसानों में से आप अपने मन के अंदर आपको सोचना है कि इन 4 इंसानों के अंदर हम कौन से श्रेणी में हैं और हमें इन 8 पर्व पर्युषण पर्व के दिनों में हमें क्या करना है। कल आपके सामने बताया गया था कि द्वितीय वर्ग के अंदर कि भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग के दूसरे वर्ग में बताया कि जो 10 राजकुमार थे वो मोक्ष में चले गए। अब आपके सामने द्वितीय तृतीय वर्ग में क्या वर्णन आएगा वह आपके सामने सुनाया जाएगा। इस पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर हमें अच्छे से अच्छा क्या बनना है, इंसान बनना है और धर्म ध्यान करके हमें भी मुक्ति पथ पर क्या करना है, अग्रसर बनना है। किसी ने कवि के माध्यम से संगीत के माध्यम से बताया है, पर्युषण आया है कि मन रा मेल धोलो, पर्युषण आया है कि मन रा मेल धोलो, त्रिशलारा नंदन री सब मिल जय बोलो, त्रिशलारा नंदन री सब मिल जय बोलो। यो पावन त्योहार बरस में एक बार ही आवे, इन मौके नहीं चेत सके तो मिनक पचे पछतावे, चंदनारा गुरुवर री सब मिल जय बोलो, चंदनारा गुरुवर री सब मिल जय बोलो। पर्युषण पर्व का श्रेष्ठ आध्यात्मिक यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ के अंदर आपको असत्य, चौर्य, मैथुन आदि की आत्म आहुति देना है।
जिनवानी एक ज्ञान का झरना होता है। इस जिनवानी ज्ञान के झरने के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी पूरी प्यास बुझाकर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो घूंट पीकर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ कुल्ला कर कर क्या कर चले जाते हैं। तो अभी आपको सोचना है कि हमें पूरी प्यास बुझाना है या दो घूंट पानी पीना है या कुल्ला कर कर चले जाना है। तो ये इस पर आपको चिंतन करना है। आगे शास्त्र का वाचन चलेगा, आगे जो भी शास्त्र में आएगा आपको सुनाया जा रहा है। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस दोचस वग्गस अयमठे पनते तच्चसनम बनते वग्गस समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पनते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस तच्चस वग्गस तेरस अजयना पनत्ता तम झा अन्यसेने अनंतसेने अजियसेने अनिहयरुव देवसेने सत्तुसेने सारने गये सुमोहे दुमहे कुवये दारुये अनादिति। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंत्यगढ़ दशानम तच्चस वग्गस तेरस अज्जयना पनत्ता तंजा अन्यसेने जा अनादिति पड़मस्सनम भन्ते अज्जयने संतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पनत्ते। हे जम्बू स्वामी सुधर्मा श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा नामक आठवें अंग में के तीसरे वर्ग के क्या भाव कहे हैं। तब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है, वे इस प्रकार है। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहतपुरी, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारन, गज, सुमुख, दुर्मुख, कृपक, दारुक और अनादृष्टि। हे भगवान, इस तीसरे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययनों का वर्णन किया है, तो प्रथम अध्ययन का क्या भाव प्रतिपादित किया है। एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम भदिलपुरे नामम नैरे होता। अर्थात जिस समय 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी इस भूमंडल पर भ्रमण करके अपनी अमृत वर्षिणी वाणी से संसार को इस अंधकार के प्रकाश की ओर मृत्यु से अमृत की ओर लेके जा रहे थे। ऋदित्थ में समिधे वन्नो तसनम भदिलपुरस्त नैरस्त भैया उत्तर पृथ्वी दिशि भाय श्रीमने नामम उज्जाने होता। वन्नो जिये सत्तुराया तथनम भदिलपुरे नैरे नागे नामम गाहवई होता। अठे जाव अपरि हुए तसनम नागस गहावैस सुलसा नामम भारिया होता। सुकुमाला जाव सुरुआ तसनम नागस गहावैस पुत्ते सुलसाए भारियाए अत्तये अनियसेने नामम कुमारे होता। सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिकित्ते तम जा खीरधाई मज्जनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहा दड़पैने जाव गिरी कंदर मलिनेव चंपगर चंपगवर पायवे सुवसेनम परिविद्दई। हे जम्बू, उस काल उस समय में बदिलपुर नाम का एक नगर था। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों के युक्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। उस बदिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में सभी गुणों से युक्त श्रीवन नाम का उद्यान था। नगर में जित शत्रु राजा राज करता था। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति रहता था। वह अति समृद्धशाली और अपरिभूत, जिसका कोई भी पराभव अपमान नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो अत्यंत सुकुमार एवं सुरूप थी। नाग गाथापति का पुत्र एवं सुलसा का अंगजात अनिक सेन नाम का कुमार था, जिसके हाथ पांव अत्यंत सुकुमार थे और वह अत्यंत सुरूप था। शीरधात्री यानी दूध पिलाने वाली धाय माता थी।
मज्जन धात्री यानी स्नान कराने वाली धाय माता थी। मंडन धात्री वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित करने वाली धाय माता थी। क्रीडन धात्री यानी क्रीड़ा कराने वाली धाय माता थी। और अंक धात्री गोद में उठाने वाली धाय माता थी। इन पांच प्रकार की धाय माताओं में से उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार के समान प्रतिपालना की जाती थी। जिस प्रकार पर्वत की गुफा में रही हुई मनोहर चंपक लता सुरक्षित रूप से बढ़ती है, उसी प्रकार अनेक सेन कुमार भी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। तैनंतम अन्य सेनम कुमारे साइरेग अट्ठवास जाय अम्मा पियरो कलायरिय जाव भोग समत्ते जाए यावी होता। तैनंतम अन्य सेनम कुमारम उम्मक बालभावम जानिता अम्मा पियरो सरिसियानम सरिसिवयानम सरिसत्तयानम सरिसिल्लवान रुवजोवन गुणव व्ययानम सरिसेहितो कुलेहितो आनिलियानम बत्तीसाए इम्बवर कन गानम एक दिवसे पानी गिन्ना व्यक्ति। अनिक सेन कुमार की उम्र 8 वर्ष से कुछ अधिक हो गई तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलाचार्य के पास भेजा, जो थोड़े ही समय में वह सभी कलाओं में पारंगत और युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा होता है, उसे कितना ही ज्ञान दो तो ज्ञान चढ़ता है नहीं चढ़ता है, लेकिन जो अनेक सेनादि कुमार था उसी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वह कम समय में आश्रम में जाकर आचार्यों के पास में कम समय में जाकर उसने अध्ययन को क्या कर लिया, परिपूर्ण किया और धर्म कला सीखकर वह अपने घर पर लौट गया। अनेक सेन कुमार को यौवन अवस्था से युक्त देखकर उसके माता पिता ने समन्वय समान त्वचा और समान लावण्य रूप यौवन एवं सुशीलता आदि गुणों से युक्त तथा अपने सदृश कुलों से लाई हुई इव्य सेठों को सेठों की 32 कन्याओं के साथ एक दिन में विवाह कर दिया। तैनम से नागे घावई अन्य सेनस कुमारस हिमम यारुवम पीदानम दलयई तम जहा 32 हिरण्य कोडियो जहा महाबलस्त जाव उप्पी पासाय वर गए फुट्ट माने ही मुइंग गमत्थे भोग भोगाई भुज माने बियरई तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरिठ नेमी जाव समसोडे सिरीवने उज्जाने अहा पड़िरुवम उग्गहम जाव बिहरई परिसा निगया। तैनम तस्य अन्य सेनस्य कुमारस्य तम मैया जनसद्दम जहा गोयमे तहा नवरम सामय्य मायाईम 14 पुवाईम ऐजई विषम वासाईम परियाओ सेसम तयव जाव सेंतुजे पवये मासियाए सलेनाए जाव सिते एवं खलु समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगड दशानम तच्चस वग्गस पणमस अज्जयनस अयमठे पनत्ते। नाग गथापति ने सोना चांदी आदि का 32 करोड़ धन अनेक सेन कुमार के लिए प्रतिदान दिया। जैसा कल आपको प्रतिदान के बारे में बताया गया था कि जो स्नेह से जो मन से जो इच्छा से दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिदान कहते हैं। जैसा कि महाबल कुमार के लिए उसके पिता ने किया था, अनेक सेन कुमार भी महाबल कुमार के समान भवन के ऊपर के खंड में निरंतर बजती हुई मृदंगों से यावत पूर्व पुण्यपार्जित मनुष्य संबंधी भोग भोगते हुए सुखपूर्वक रहता था। उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान उस बदिलपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में पधारे और अपनी मर्यादा के अनुसार अवग्रह लेकर विचरण करने लगे। जन समुदाय रूप परिषद धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकली जन समुदाय का कोलाहल सुनकर अनेक सेन कुमार भी गौतम कुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान के समीप आकर धर्म कथा सुनी। धर्म कथा जब साधु संत प्रवचन फरमाते हैं उस प्रवचन सभा के अंदर क्या अलग अलग श्रोता आते रहते हैं। उसमें से कुछ श्रोता ऐसे होते हैं,
कुछ कच्चे श्रोता होते हैं, कुछ सच्चे श्रोता होते हैं। एक श्रोता ऐसे होते हैं कि जो कान से सुनते हैं और इस कान से क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कान से सुनते हैं और क्या कर देते हैं, जो साधु संतों ने जो जिन वाणी फरमाई है उसे ही क्या कर देते हैं, वही झटक कर चले जाते हैं। और कभी कभी उनके मन के अंदर उमंग उठती है कि मैं भी कुछ त्याग पक्षखान करूं, मैं भी कुछ तपस्या करूं, लेकिन घर आने के बाद भोग विलासों में फंस जाने के बाद वह त्याग वैराग्य क्या हो जाता है, वही उड़ जाता है। लेकिन कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो जिन वाणी सुनकर, प्रवचन सुनकर अपने आत्मचिंतन करते रहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं और अपने मन के अंदर त्याग वैराग्य की बातें मनन चिंतन के द्वारा करते रहते हैं और फिर आगे जाकर वह क्या कर देते हैं, अनेक सेनाधिक जैसे जाकर जिन वाणी सुनकर संयम अंगीकार कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अनेक सेनाधिक भी क्या थे, तीसरे प्रकार के जो श्रोता बताया, सच्चा श्रोता। दो प्रकार के हमने श्रोता बताया है, कच्चा श्रोता और सच्चा श्रोता। सच्चा श्रोता वही होता है जो जिन वाणी के माध्यम से जिस प्रकार अनेक सेनाधिक ने क्या करी, प्रभु का एक ही वचन सुना और उन्हें संसार एक कैद खाने के जैसे लगने लग गया, संसार एक सराय के जैसे लगने लग गया, तो संसार को छोड़कर भगवान के पास गए, वंदन नमस्कार किया और कहा कि हे भगवान, आपके वचन के द्वारा, आपके जीन वचन मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझे संयम ग्रहण करना है। तब भगवान फरमाते हैं, हा सुअम देवानु पिया, आपको सुख लगे वैसा आप करो, लेकिन क्या मत करो, विलंब मत करो। तब सुना, धर्म कथा सुनी तथा माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली। गौतम कुमार के अध्ययन से इसमें यह विशेषता है कि इन्होंने सामायिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया, शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। आप प्रतिदिन अगर जो कोई बड़ी साधु वंदना पढ़ता होगा तो उसके अंदर हमारी महापुरुषों की गाथा का गुणगान किया है, तो उसमें बड़ा ही सुंदर, बड़ी साधु वंदना के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन अनेक सेनादि का बताते हुए फरमाया है, श्री अनेक सेनादिक छे सो दरबाय वसुदेव नानंदन देव की जारी माय बदिलपुर नगरी नाग गहा वै जान सुलसा घर वंदिया सामली ने मिनिवान तज 32 32 अंते उर निकलिया छिटकाय नल कुबर सामना बैठ्या ने मिना पाय कर छट छट पारना मन में वैराग्य लाय 1 मास संतारे मुक्ति विराजा जाय। ऐसे महापुरुषों का वर्णन हम प्रतिदिन अगर बड़ी साधु वंदना पढ़ते हैं तो हमारी अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती है। आगे बताया गया है, सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, सिद्धि गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा के 3रे वर्ग में प्रथम अध्ययन में अनेक सेन कुमार का उपर्युक्त वर्णन किया है। इति 3रे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हो गया। जा अनिय सेने एवं शेषावी अनंत सेने अजय सेने अनिहयरिव देव सेने सत्तु सेने छ अजयना एगमा 32 आवदाओ 20 वासाइम परियाओ 14 सपुबाइम अयजंती जाव से तुंजय सिद्धा छठम अजयनम समत्तम। अर्थात जैसा अनेक सेन कुमार का अध्ययन है वैसा ही अनंत सेन अजित सेन अनिह त्रिपु देव सेन और शत्रु सेन नामक अध्ययनों का वर्णन है। इन 6 अध्ययनों का वर्णन एक समान है, इनके माता पिता भी एक ही थे। ये 6 कुमार नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात थे। 32 32 करोड़ का दहेज मिला था, सभी ने रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय पाली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1 मास संलग्ना करके शत्रुंजय पर्व पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए।
जैनम बनते उख्य और सप्तम अस्त तेनम कालेनम तेनम समयनम बारहवीं जापण में नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सीओ सिमिने सारण्य कुमरे पन्ना सौदाओ चौदस पुबाइम विषम वासाइम परियाओ सेसम जहा गोयमस्त जाओ सेंतुज्य सिद्धे। अर्थात मुख्य उपशब्द का अर्थ है प्रारंभिक वाक्य। जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप से प्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ है, उसी प्रकार यह भी जानना चाहिए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्धि गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा के तीसरे वर्ग के छठे अध्ययन का जो भाव कहा है वो मैंने सुना। अब सातवें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के क्या भाव बताया सो कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अध्ययन में ये भाव कहे हैं, हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, वसुदेव नाम के राजा कहते थे, उनकी रानी का नाम धारिणी था। किसी एक रात्रि के समय उसने सिंह का स्वप्न देखा। गर्भकाल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सारण कुमार रखा गया। सारण कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया। एवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह किया। 50 करोड़ सोनैया आदि की दात दहेज में मिली। भगवान अरिष्टनेमि का उपदेश सुनकर सारण कुमार ने दीक्षा अंगीकार की, 14 पूर्व का अध्ययन किया और 20 वर्ष दीक्षा पर रह पाली। अंत में गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर एक मास की संलग्ना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इति सातवां अध्ययन समाप्त। आपके सामने सातवां अध्ययन समाप्त हुआ है। जैनम बनते मुख्य अट्टमस्त एवं खोलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवये नयरिये जहाँ पड़मे जहाँ जाव अर्ह अरिट्ठनेमी स्वामी समोसड़े तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हो अरिट्ठनेमी स अंतेवासी छे अनगारा भायरो ना सहायरो होता सरिसया सरिसत्तया सरिसवया निलुपवल गवल गुलिया अयसी कुसुम पगा पगासा सिरिवच्छकीयम वच्छा कुसुम कुंडल बदलया नल कुबर समाना तैनम छे अनगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगारा अनगारिम पवैया तम चेव दिवसम अरहम अरिठनेमिम वंदती नमसंती वंदिता नमसंतिया नमसिता एवं वयसी इच्छामिनम बनते तुभ्य अबनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम अनेकिथेनम तव कमेन अपानम भावे माना वीरती आसुम देवानुपिया माँ परिभद्रम करे तैनम छे अनगारा अरहया अरिठनेमिना अपनुनाया समाना जावत जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव वीरती तैनम छे अनगारा अन्नया कयम छट्टम अखनम पारन गंसी पड़माय पोरसिय सज्जायम करेती जहाँ गोयम स्वामी जाव इच्छा मन बनते छट्टखमनस पारनाय तुभ्यम अबनुनाया समाना तिहिम संगाड़िहिम बारहवीये नयरिये जाओ अड़ित्ये अहसुम देवानुपिया तैनम छे अनगारा अरहया अरिट्ठनेमिना अबनुनाया समाना अरहम अरिट्ठनेमि वंदती नमसंति वंदिता नमसिता अरहो अरिट्ठनेमि संतियाओ सस्सबभवनाओ उज्जानाओ पड़िनिक्खमन्ति पड़िनिक्खमिता तिहिम संगाड़िहिम अंतुरियम जाओ अड़ंती तैनम न एगे संगाड़ये बारवये नयरिये उच्चनीय मज्जिमायम कुलायम घर समुदानस भिकायरियाय अडमाने अडमाने वसुदेवस रन्नो देविये देविये गिये अनुपविते तैनम सा देवई देवी तनगारे यजमाने पासे पासे ता हट्ट तुट्टे चित्तमानंदिया पीमाना परम सोम सोमनसिया हरिसवस विसपमाना हियया असनाव अबुट्टे अबुट्टिता सतट्टपयायम अनुगच्छे अनुगच्छिता तिकुतो आयैनम पयैनम करे करिता वंदे नमस्ते वंदयिता नमसिता जैनो भत्त करे तेने उवागच्छे उवागच्छिता सिय केसरानम मोयगानम थालम भरी भरिता ते अनगारे पड़िला भे पड़िला बित्ता वंदई नमस्ते वंदिता नमसिता पड़िवस पड़ी बिस जई तयानम तरम चनम दोच्चे संगाड़े बारवये नयरिये उच्च जाओ पड़ी बिस जई तयानंतरम चनम तच्चे संगाढ़े बारवई नयरिये उच्चनीय जाव पड़िला भेई पड़िला भित्ता एवं वयासी किन्नम देवानुपिया कन्नस वासुदेवस इमि से बारवये नयरिये दुवालस जोयन आयमायाये नव जोयन विच्छिन्नाये पच्छकम देवलोक भूयाये समना निगंथा
उच्चनीय मज्जिमाई कुलाई घर समुदानस्य भिकायरियाय अड़माना भक्तपानम न लभंती जन्नम तायम चेव कुलाई भक्तपानाय भुज्यो भुज्यो अनुपविशंती तैनमते अने गारा देवई देवी एवं वयसी नो खलु देवानु पिए कन्नस्य वासुदेवस्य युमिसे भारवये नयरिये जाव देवलोगो भूयाय समना निगंत उच्चनीय जाव अड़माना भक्तपानम नो लभंती नो चेवन न ताइम ताइम कुलाइम दोच्चंपी तच्चंपी भक्तपानाय अनुपविशंती एवं खलु देवानु पिए अम्मे बदिलपुरे नयरे नागस्य गाह वैस पुत्ता सुलसाय भारियाय अत्तया छे भायर सहो एरा सरिसया जाव नल कुमर समाना अरह अरिठने मिस अंतिये धम्मं स्वच्छा निसम संसार भव विगा बिया जमनम मरनानम मुंडा जाओ पवैया तैनम अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अरहम अरिठनेमी वंदामो नमसामो वंदिता नमस्तिता एमम यारुम अभिघम अभी गिन्नामो इच्छामनम बनते तुभ्य ही अपनुनाया समाना जाव आसुम देवानुपिया तैनम अम्मे अरहा अरिठनेमिना अभनुनाया समाना जाव जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव अभी रामो तम अम्मे अज्ज छट्ट खमन पारन गंसी पड़माए पोरिसिये जाव अड़माना तव गेम अनुपविट्टा तम नो खलु देवानु पिए तम चेवनम अम्मे अम्मेनम अन्ने देवैन देवी एवं वयई वैता जामेव दिशं पाउ भूये तामेव दिशं पड़ी गया सातवां अध्ययन आपके सामने समाप्त हुआ था। अब आठवें अध्ययन का वर्णन आपके सामने शुरू किया था। आठवें अध्ययन का प्रारंभ वाक्य जैनम बनते उख्यो इत्यादि इसका अभिप्राय भी पूर्व सारे। तब जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्टनेमी पधारे उस काल उस समय में 6 सहोदर भाई। सहोदर का मतलब यानी एक ही उदर से जन्म लिया हुआ एक ही पेट के 6 सहोदर भाई थे। एक की माँ 6 बच्चों की एक ही माँ थी उसे सहोदर कहते हैं। भगवान अरिष्टनेमी के अंतेवासी शिष्य थे। ये 6 सौ समान आकार समान रूप और समान वय वाले थे। उनके शरीर की क्रांति नील कमल भैंस के सींग की आंतरिक भाग और गुली के रंग के समान तथा अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्षस्थल श्रीवस्त नामक चिन्ह विशेष से अंकित था। उनके मस्तक के केश फूलों के समान कोमल और कुंडल के समान घुमे हुए घुघराले तथा अति सुंदर लगते थे। सौंदर्य आदि गुणों से वे नल कुबर के समान थे। वे 6 अंगार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया कि हे भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम यावत जीवन निरंतर छठ छठ यानी बेले बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। भगवान ने कहा कि हे देवानुपियो जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो लेकिन धर्म कार्य में विलंब मत करो। इसके बाद वे 6 अनगार भगवान की आज्ञा पाकर यावत जीव बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। तदनंतर उसी समय बेले के पारने के दिन उन 6 अनगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तीसरे पहर में भगवान के समीप आकर इस प्रकार बोले कि हे भगवान आपकी आज्ञा हो तो आज बेले के पारने में हम 6 मुनि अब 3 सिंगाड़ों में विभक्त कर मुनियों के कल्पनानुसार सामुदायिक भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में जावे। भगवान ने कहा कि हे देवानुप्रिया जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा पाकर उन अंगारों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया या सहस्राम रवन उद्यान के बाहर निकले दो दो मुनियों के 3 सिंगाड़े बनाकर शीघ्रता रहित चपलता रहित और लाभालाभ की चिंता की सम्राती रहित एवं उद्वेग रहित वे भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में गए। उस 3 सिंगाड़ों में से 1 सिंगाड़ा द्वारिका नगरी में
उच्च नीच और मध्यम कुलों में ग्रह सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमता हुआ राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर पहुंचे। उस सिंगाड़े में दो मुनियों को अपने यहाँ आते हुए देखकर देवकी महारानी ने अपने आसन से उठी और 7-8 कदम अपने चरण उनके सामने गई। उन दोनों अंगारों के आकस्मिक आगमन से यह अत्यंत हर्षित होती हुई बोली, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर पर अंगार पधारे। इस हेतु संतुष्ट चित्त के कारण वह अत्यंत आनंदित हुई। मुनियों के पधारने से उसके अंतकरण में अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका हृदय हर्षातिरेक से उछलने लगा। विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके वह मुनियों को रसोई घर में ले गई। फिर सिंह केसरी मोदक का थाल भरकर लाई, उन अंगारों को प्रतिलाभित कर बेरा कर वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनयपुर को उनको विसर्जित किया। सिंह केसरी मोदक यानी उसके अंदर 84 प्रकार की क्या होती है चीज़ें पड़ती हैं, जो आप अभी नाश्ते के अंदर सुबह सुबह हमारी या क्या लिया जाता है, इडली सांभर पोहे उपमा जो भी है वो लिया जाता है। लेकिन वासुदेव कृष्ण के नाश्ते के अंदर देवकी महारानी क्या बनाती थी, सिंह केसरी मोदक बनाती थी। जो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए जो सिंह केसरी मोदक बना हुआ था, जो दो मुनि आए उनको क्या किया, उन्होंने सिंह केसरी मोदक पात्रे में बेराया। थोड़ी देर बाद दूसरा सिंगाड़ा भी उच्च नीच मध्यम कुलों में घूमता हुआ देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी प्रकार सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित कर विसर्जित किया। इसके बाद तीसरा सिंगाड़ा भी उसी प्रकार देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी आदर भाव से सिंह केसरी मोदक बेराया। इसके बाद वह विनयपूर्वक पूछने लगी, हे भगवान, क्या कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की नगरी में जो 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी स्वर्ग लोक से सदृश इस द्वारिका नगरी का उच्च नीच और मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण निर्ग्रहंतों को क्या आहार पानी नहीं मिलता है, क्या जिसमें एक ही कुल में बार बार आना पड़ता है? तब देवकी देवी का प्रश्न सुनकर वे अंगार इस प्रकार कहने लगे कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग की सदृश इस द्वारिका नगरी में उच्च नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ घूमने हुए श्रमण निग्रंथों का हार पानी नहीं मिलता है, इसलिए वे भिक्षा के लिए एक ही घर में बार बार आते हैं। ऐसी बात नहीं है देवानुप्रिय, हमारा रूप उम्र आदि सब एक समान होने के कारण तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। इसका समाधान यह है कि हम भदिलपुर नगर के निवासी नाग गाथा पति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात हैं। हमारा रूप लावण्य आदि से समान और सौंदर्य में नल कुबर के समान हम 6 सहोदर भाई हैं। हमने भगवान अरिष्ट नेमी से धर्म सुनकर हृदय में धारण कर संसार के भय से उद्विग्न होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रवज्ञा ग्रहण की है। हमने जिस दिन प्रवज्ञा ग्रहण की उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके यावत जीवन बेले बेले पारना करने की प्रतिज्ञा की है। उसी प्रतिज्ञा अनुसार बेले बेले पारना करते हैं। हम सबके आज बेले का पारना है, इसलिए पहले प्रहर में स्वाध्याय किया और दूसरे प्रहर में ध्यान किया करने के बाद तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हम 3 सिंगाड़ों से निकले हैं। उच्च नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए संयोगवश हम 3 सिंगाड़ों के तुम्हारे घर आ गए हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, हम वे ही मुनि नहीं है जो पहले आए थे, हम दूसरे हैं। सर्वप्रथम संगाड़े में जो मुनि आए वे दूसरे थे और बीच में आए वे दूसरे थे, जो मुनि आए वे भी दूसरे थे, जो तीसरे सिंगाड़े में आए हम आए हैं, सो हम भी दूसरे हैं। अतः देवानुप्रिय, हम तुम्हारे घर बार बार नहीं आए। इस प्रकार देवकी देवी से कहकर वे मुनि जिधर से आए उधर ही चले गए। अब देवकी रानी के मन के अंदर प्रश्न उठ रहा है, वह सोचने लग गई है, वह सोच रही है कि ये उसे पूर्व का अतीत याद आने लग गया। अब वो सोच रही है आगे क्या वर्णन आएगा, आपके समक्ष कल सुनाया जाएगा।
इसी आशा के साथ बोलिए ओम शांति। आग में तिवे पनते तंजा सत्तागम में अठागम में तदुभयागम में। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कहते चार लगौतालम जम वैद्यम मज्जामल्यम हिनक करम अचक करम पयहीनम विनहीनम जोगहीनम गोशयनम सुट्टु दीनम दुट्टु परिच्छयनम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाश समिच्छा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया, आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया, क्षमा विरस्य भूषणम कहने का वक्त आया, आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। वैर हटाओ सबको खमाओ, कर दो क्षमा कर्म खपाओ, वैर हटाओ सबको खमाओ, कर दो क्षमा कर्म खपाओ, गुरुवाणी सुनकर दोष मिटाओ, कल्प सूत्र सुनकर आनंद पाओ, एकासन करो करो तुम व्यासना, देला करो तप साधना, सब पर वो कराजा है आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया, आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। मिच्छामि दुक्कड़म कर लो प्रतीकमन, आत्महित हो पुलकित हो ये मन, मिच्छामि दुक्कड़म कर लो प्रतीकमन, आत्महित हो पुलकित हो ये मन, मंदिर में स्थानक में समय गुजारो, ये आठ दिन तो मोह माया तोड़ो, अगर तुम करो ये साधना सवसर दिन क्षमा याचना, बस जिनवानी बन जाए साया, त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया, आया पयूषण आया, त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया।
जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा विरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया पयूषण आया, जैनो कट्यो हार आया। हो जैनो कट्यो हार आया। हो जैनो कट्यो हार आया। हो जैनो कट्यो हार आया। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। यहाँ से आ रहा है। हाँ बस ठीक है, तब थोड़ा हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ओम रीम सिंह चिंतामणि पाशाताय मम मनरत पुरे पुरे स्वाहा। ओम रीम सिंह चिंतामणि पाशाताय मम मनरत पुरे पुरे स्वाहा। ओम रीम सिंह चिंतामणि पाशाताय मम मनरत पुरे पुरे स्वाहा। ओम रीम सिम मरम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिम सिद्धा मोम पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम मरम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिम सिद्धा मोम पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम मरम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिद्धा मोम पुरी पुरी स्वा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चतारि मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केलीपरत मंगलम चतारि लघुत्तम अरियंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहू लघुत्तम केलीपणत लघुत्तम चतारि शरणम भोजामि अरियंता शरणम भोजामि सिद्धा शरणम भोजामि साहू शरणम भोजामि केलीपणत शरणम भोजामि अयंत का सरना सिद्ध का सरना साधु जीवाच का सरना केवली परुपी दयाधर्म का सरना चार सरना मंगल करना उरन सरना निको जे भविक प्राणी आदरे तो अक्षय। बोलो जिन्हें शासन देव की जय।